सो गाइस, अगर आप भी अपना व्हाट्सअप चलाते हो या फिर इंस्टाग्राम चलाते हो और कोई आपके पास इंग्लिश में मैसेज करता है तो आप लोग नहीं जानते हो कि हम उसको किस तरीके से रिप्लाई दें, यानी कि इंग्लिश में किस तरीके से हम समझें कि क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा, ठीक है। अगर आपको भी इसी को जानना है तो गाइस किस तरीके से आप लोग जान सकते हो, आज के वीडियो में आप लोग यही बताने वाला हूँ। तो गाइस ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हो, गाइस मैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर डॉट लेके आता हूँ तो सारा का सारा यहाँ पर ठीक यहाँ पे हिंदी हो जाता है, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे हिंदी हो जा रहा है, देख सकते हो गाइस। और आपको भी यही फ्यूचर करना तो आप लोग किस तरीके से कर सकते हो। गाइस आज की वीडियो में आप लोग यही बताने वाला हूँ। गाइस आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, सो गाइस शुरू से लेकर एंड तक वीडियो के साथ बने रहना है। तो गाइस लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। दैट इज मिनिमाइज करने के बाद आपको गाइस क्या करना, आपको अपने सबसे पहले प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है ट्रांसलेट, ठीक है। आपको है ट्रांसलेट को आपको टाइप करना है, मैंने यहाँ पे कर दिया है ट्रांसलेट, ठीक है। है ट्रांसलेट एप्लीकेशन ये आ चुका है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको ये प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा तो परेशान नहीं होना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दें, यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आसाने के बाद गाइस क्या आसाना, बैक आसाने में फिर से गाइस क्या करना है, कहाँ है ये एप्लीकेशन, इसको ओपन कर लेना है। जब ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। तो यहाँ पे देखना है ट्रांसलेट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। है ट्रांसलेट कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। दैट इज एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, इसको पहले कट कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले एक्सेप्ट किया है, इसके बाद आपको देख सकते हो कि इसको ऑन कर देना है, यहाँ से इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको है ट्रांसलेट को चूज़ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है ट्रांसलेट शॉर्टकट उसको यहाँ पे ऑफ है तो उसको ऑन कर देना। इसी तरीके से आपको ऊपर वाला ऑप्शन को भी यहाँ पे ऑन कर देना, ठीक है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना। इसमें यहाँ पे सब परमिशन मैंने अलाउ कर दिया। इसके बाद बैक आ जाना है, दैट इज़ बैक आ जाना, ठीक है। बैक आ जाने के बाद आपको इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे इस पर टिक कर लेना है। इसके बाद आपको इस पर बैक आ जाना, ठीक है। और यहाँ पे ये डॉट आ जाए, यहाँ इसको भी अगर ऑफ है तो होता है, इसको ऑन कर देना, ठीक है। ऑन करने के बाद इसको बैक आ जाना है। बैक आ जाना, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सैम्बल बन गया। इसके बाद आपको कोई भी व्हाट्सअप ओपन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे व्हाट्सअप ओपन कर लेते हैं। और जिसको भी आपको चैट नहीं समझ में आती है या फिर इंग्लिश में लिखा होता है तो आप लिख इस तरीके से देख सकते हो, डॉट करना है, देख सकते हो। इस पर टर्न ऑन पर क्लिक कर लेना है। टर्न ऑन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पर टिक कर लेना है। इसके बाद आप लोग टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, इस पर बैक लिख लेना और इसको पहले ऑफ करके इसको ऑफ स्टॉप करके फिर इसको दोबारा से ऑन कर देना, ठीक है। यहाँ पे फिर से ऑफ करके ऑन कर देना दोबारा से, गोइट पे क्लिक कर लेना। इसके बाद आपको बैक आ जाना है, जैसे कि यहाँ पे बैक आ जाते हैं और व्हाट्सएप को चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे फिर से दोबारा से यहाँ पे किसी को आपको हिंदी करना है तो देख सकते हो गाइस, आसानी तरीके से आप लोग हिंदी कर लोगे, ठीक है। सो गाइस जो भी एरर आ रहा था वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। गाइस उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपको कुछ डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।